ऑलराइट गाइस, अगर आप भी कंफ्यूज हो गाइस कि लैपटॉप ले या फिर यहाँ पे कंप्यूटर ले तो कौन सा बेस्ट रहेगा हमारे लिए, वो गाइस आज के इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ। देख ले गाइस, मैं एक से एक चीज बताऊंगा कि आपको कंप्यूटर में क्या देखने को मिल जाता है जो कि गाइस आपको लैपटॉप में देखने को नहीं मिलता, या फिर गाइस जो लैपटॉप में देखने को मिलता है कंप्यूटर में आपको देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस बेसिक से बेसिक से लेकर एंड एडवांस तक सब कुछ आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। सो गाइस इसी तरह की वीडियो के लिए आपको सिंपली करना क्या है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लेना गाइस ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता है। चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, आप भाई लास्ट तक वीडियो में देखते रहना। मैं उम्मीद करता हूं गाइस आपको वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड गाइस हेल्पफुल लगेगा, जिससे गाइस आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको लैपटॉप लेना चाहिए या फिर गाइस कंप्यूटर लेना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइस की प्राइस की। तो देख लीजिए गाइस, जहां पे आपको एक कंप्यूटर 20,000 से लेके गाइस 25,000 तक देखने को मिल सकता है, बट गाइस यहां पे लैपटॉप में ऐसा नहीं है। अगर गाइस आपको अच्छा सा लैपटॉप चाहिए तो उसमें गाइस 30,000 से 35,000 रुपए यहां पे खर्च करने पड़ेगा। सो गाइस ये था एक बेसिक से डिफरेंस जो कि गाइस आपको पता होना चाहिए कि आपको जब आप लैपटॉप लेने जाते हो या फिर गाइस कंप्यूटर लेने जाते हो तो उसमें आपको प्राइस में क्या देखने को मिलता है। सो गाइस सेकंड चीज पे आते हैं, तो वो गाइस सेकंड चीज की बात करते हैं। देख लेंगे सेकंड चीज में आपको जो देखने को मिलता है वो गाइस लैपटॉप में एक चीज देखो खास देखने को मिल जाता है जो कि गाइस कंप्यूटर में नहीं देखने को मिलता, ये है गाइस कि आपको जो लैपटॉप आप जब बाय करोगे तो उसमें गाइस आपको माउस देखने को मिलता है, कीबोर्ड देखने को मिल जाता है जो कि गाइस उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यहां तक कि गाइस स्पीकर भी उसी के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ गाइस कंप्यूटर या लैपटॉप में देखे तो जो आप लैपटॉप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो एंड गाइस इसके लिए कोई भी पावर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें सिंपली गाइस एक बार चार्ज करो बाकी गाइस बैटरी पे चलता है। बट गाइस ऐसा यहाँ पे कंप्यूटर के साथ सीन नहीं है। देखिए गाइस कंप्यूटर में आपको क्या देखने को मिल जाता है कि आपको माउस भी अलग देखने को मिलेगा, कीबोर्ड भी अलग देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि गाइस स्पीकर भी आपको अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने लैपटॉप में बताया था कि आप लैपटॉप को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो चार्ज करके, बट गाइस यहाँ पे कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर को आपको गाइस एक जगह रखना पड़ेगा जिसमें गाइस आपको पावर देना पड़ेगा, उसमें गाइस बैटरी वगैरह आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है ऐसा कुछ चीज भी। तो गाइस ये था दो तरह के पॉइंट। अगर तीसरे पॉइंट की बात करते हैं जो कि गाइस आपको कंप्यूटर या लैपटॉप में जो बेसिक चीज देखने को मिलता है वो ये है कि गाइस तीसरे चीज में गाइस देख लीजिए गाइस दोनों का यहां पे स्क्रीन आता है। जी हां जी गाइस, स्क्रीन किस लिए? देख लीजिए गाइस जब आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें आपको जो स्क्रीन देखने को मिलता है वो गाइस उतना ही देखने को मिल जाता है, उसको आप बदलवा वगैरह नहीं सकते हो। बट गाइस कंप्यूटर के साथ ऐसा कुछ सीन नहीं है। कंप्यूटर में आप एक बड़ा स्क्रीन लगा सकते हो, छोटा स्क्रीन भी लगा सकते हो, वो आप पे डिसाइड होता है गाइस आप कितना बड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस ये था इसके डिफरेंसेस। अगर इसमें गाइस अगर चौथे पॉइंट की बात करें कि चौथे पॉइंट में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, देखो गाइस चौथा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए गाइस क्योंकि आप अगर लैपटॉप या फिर यहाँ पे देख ले कंप्यूटर लेने जाते हो तो इसमें आपको ये चीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देख ले गाइस अगर आप लैपटॉप लो या कंप्यूटर लो उसको अगर 100-200 यूज करते हो तो गाइस उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। देख ले गाइस अगर आप लैपटॉप लेते हो तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे गाइस माउस का यहाँ पे गाइस ट्रैक पैड नहीं चल रहा या फिर गाइस कीबोर्ड नहीं चल पा रहा या फिर गाइस यहाँ पे स्पीकर में आवाज नहीं आ पा रहा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा आप वहाँ पे इजिली किसी भी कंप्यूटर की दुकान से ठीक करवा सकते हो। बट गाइस वहीं अगर कंप्यूटर में देखे तो गाइस उसमें आपको क्या देखने को मिल जाता है, आप गाइस माउस तो चेंज करवा लोगे, कीपैड भी चेंज करवा लोगे, बट गाइस अगर उसके सीपीयू में दिक्कत आ गया यानी कि गाइस उसके मेन फंक्शन में दिक्कत आ गया मदरबोर्ड में ही, तो उसको आपको क्या करना होगा, सीधा उठा के लेके जाना पड़ेगा उस डब्बे को एंड गाइस उसको वहां पे मैकेनिक से वहां पे आपको रिपेयर करवाना पड़ेगा। सो गाइस ये भी यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात है जब आप लेने जाओगे, तो गाइस इन सब चीजों को आप ध्यान में रख लेना। पांचवा पॉइंट जो कि गाइस इंपोर्टेंट है वो ये है कि गाइस आप लैपटॉप या कंप्यूटर में जो देखोगे, देख ले गाइस लैपटॉप में जो आप अगर बाय करते हो तो उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपको गाइस रैम रोम या फिर गाइस स्टोरेज वगैरह सब आपको इनबिल्ट देखने को मिल जाता है। बट गाइस अगर यहाँ पे अगर कंप्यूटर में देखे तो इसमें आप गाइस जो रैम मिलता है उसको आप चेंज करवा के गाइस रैम दूसरा भी लगवा सकते हो या फिर गाइस यहाँ पे हार्ड डिस्क दूसरा लगवा सकते हो, उसमें गाइस आप चेंज कर सकते हो वो भी इजीली। तो ये गाइस कंप्यूटर में आपको फायदा देखने को मिल जाता है। आप गाइस वीडियोग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हो कंप्यूटर में जो कि गाइस सब कुछ फायदा आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि गाइस आपने कंप्यूटर को काफी अच्छे परफॉर्म करवा सकते हो। बट गाइस लैपटॉप के साथ नहीं है, लैपटॉप में आपको सब कुछ इनबिल्ट देखने को मिल जाता है जो कि गाइस कंपनी की तरफ से आता है। और गाइस ये था मेजर डिफरेंस जो कि गाइस कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप लेना चाहते हो तो गाइस मैंने आपको सारे डिफरेंसेस बता दिया है। अगर गाइस इसमें और भी आपको डिफरेंसेस पता हो या फिर गाइस आप और भी जानते हो तो सिंपली आपको कमेंट करके बता देना। बाकी गाइस वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट कर लेना गाइस ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो गाइस ये तो था पार्ट वन। अगर इसका पार्ट टू चाहिए यानी कि गाइस के कंप्यूटर के बारे में या लैपटॉप के बारे में आपको पार्ट टू भी चाहिए तो आपको सिंपली कमेंट कर देना है, उसमें गाइस इससे भी एडवांस चीजें मैं बताऊंगा जो कि गाइस कंप्यूटर या लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है या फिर देखने को नहीं मिलता है। सो गाइस आज की वीडियो मुझे इतना ही बताना था, वीडियो कैसे लगेगा कमेंट करके जरूर बता देना।
चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ गाइस ऐसे कोने वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, देखते रहिए टेक4जी।